हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर ली है. ओके, तो अभी जो हम लोगों को समझना है, हमने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में, कि हम दो केसेस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला वो केस कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, और दूसरा वो केस अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा. ओके, तो पहला जो केस है, पहला केस है हमारा कि व्हेन एग इज फर्टिलाइज, और ये सिचुएशन जो है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड. ओके, फर्टिलाइज तो आपको पता ही है कि फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाना, मिल जाना, मिक्स हो जाना, यूनाइट हो जाना, उस जायगोट का फॉर्मेशन हो जाना, ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया. एंड व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड, तो अगर ये फर्टिलाइज्ड कर गया, ठीक है, तो क्या होगा. जब ये फर्टिलाइज करेंगे, जाहिर सी बात है, सबसे पहला क्या बनेगा, जायगोट बनेगा. आपको पता है कि जितने भी गैमेट्स होते हैं, चाहे वो मेल गैमेट हो चाहे वो फीमेल गैमेट हो, वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं. हैप्लॉइड नेचर इन द सेंस उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, वो डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स उनमें नहीं रहते. जैसे सपोज मान लीजिए हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो जनरली ह्यूमन बींग्स में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो पाए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स में, तो अगर हम सेल की बात करें, अगर हम गैमेट की बात करें, तो गैमेट में 23 पेयर नहीं होते. गैमेट में सिर्फ कितने होते हैं, 23 होते हैं, वो पेयर्स में नहीं होते. अगर वो पेयर्स में होते तब वो 2n हो जाते, तब वो हैप्लॉइड नहीं होते, तब वो डिप्लॉइड होते. लेकिन यहाँ पे हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं. तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का नेचर कैसा है, दोनों हैप्लॉइड नेचर के हैं. हैप्लॉइड अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये हैप्लॉइड नेचर है, और हैप्लॉइड नेचर को एन से डोनेट किया जाता है. ठीक, ये एन से. और लेकिन जब ये मान लीजिए हैप्लॉइड हो गया फीमेल गैमेट, ये मेल गैमेट हैप्लॉइड हो गए, ये दोनों हैप्लॉइड हो गए, और जब दोनों ही मिक्स हो जाएंगे तो जो जायगोट बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डिप्लॉइड नेचर का बनेगा. ठीक है, तो ये डिप्लॉइड नेचर का सबसे पहले क्या होगा कि अगर एग फर्टिलाइज हुआ, एग कैसे फर्टिलाइज होगा, एग को किसकी जरूरत पड़ेगी, स्पर्म की जरूरत पड़ेगी. तो जाहिर सी बात है स्पर्म जब एंटर करेगा, यहाँ पे मूव फैले, वो सर्विक्स में मूव किया, सर्विक्स के थ्रू वो यूटरस में मूव किया, यूटरस से जब वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ओविडक्ट में जाएगा, और वहां पे उनको क्या मिल रहा है, एग मिल रहा है. ओके, तो एग से वो तुरंत क्या करेगा, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं उसमें से एक जो है वो तुरंत फ्यूज होके क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा. अब जायगोट क्या करेगा, जायगोट अभी सिंगल सेल है, लेकिन जायगोट सिंगल सेल हमेशा थोड़ी रहेगा, क्योंकि यही जायगोट तो रेस्पॉन्सिबल होता है एक बेबी को, ठीक है, एक बेबी को फॉर्म करने के लिए. तो जो बेबी का फॉर्मेशन होता है मदर बॉडी के अंदर, ठीक है, मदर्स के अंदर, तो वो बेबी का जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से शुरुआत होती है, वो जायगोट से शुरुआत होती है, पहले सेल से शुरुआत होती है. तो जायगोट इज अ फर्स्ट सेल, ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो और अ बेबी. तो यहां से ये जायगोट जो है, जो यहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, सपोज मान लो ये दोनों मिक्स करके क्या बना लिए, जायगोट बना लिए. अब जायगोट क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ मूव करेगा. अब जायगोट जब यहाँ पे मूव करेगा तो ये जो यूटरिन वॉल है, ये जो यूटरस की वॉल है सारी, ये अपने अंदर एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन लाते हैं कि ये सारे न्यूट्रिशन, सारी नरिशमेंट सब कुछ प्रोवाइड करेगा किसको, जो ये जायगोट यहाँ पे मूव कर रहा है. तो जायगोट क्या करेगा, पहले एक से दो सेल में डिवाइड करेगा. ठीक है, पहले ये सपोज मान लीजिए ये जायगोट है, और ये जायगोट आगे चल के क्या बन जाएगा, दो सेल. ठीक है, टू सेल स्टेज बन गया. अब वापस ये डिवाइड करेंगे तो कैसे बन जाएंगे, फोर सेल स्टेज बन जाएंगे. तो ये एक से दो बनेगा, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, आठ से सोलह बनेंगे. तो इसी तरह ये क्या करेगा, मतलब नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे. और ये यहाँ पे आके जायगोट जो है, यहाँ पे आके ये एम्बेडेड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे यूटरिन वॉल में जहाँ पे बहुत ढेर सारे ब्लड वेसल्स हैं, ये आके यहाँ पे क्या करेगा, धस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे जायगोट आके क्या होगा, एम्बेडेड हो जाएगा. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, द एम्बेडेड ऑफ जायगोट इन द यूटरिन वॉल, फ्रॉम वेयर इट गेट्स ऑल द न्यूट्रिशन एंड फ्रॉम वेयर ऑल द प्रोसेसेस और द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस. दिस प्रोसेस और दिस एम्बेडेड ऑफ जायगोट इन यूटरिन वॉल इज नोन एज. तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा, व्हेन एग इज फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज करेगा सबसे पहले क्या बनेंगे, जायगोट बनेंगे. और जायगोट के बाद जो प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा वो प्रोसेस क्या रहेगा, इम्प्लांटेशन.
ओके तो ये इम्प्लांटेशन जो है, इम्प्लांटेशन यही है, ये जो एम्ब्री जाइगोट यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जाइगोट, और जाइगोट क्या करेगा, यहाँ पे आके धस जाएगा, रुक जाएगा, और ये पूरे 9 मंथ जब तक यहाँ पे बेबी पूरा मैच्योर नहीं हो जाता, फॉर्म नहीं हो जाता, तब तक वो इसी जगह पे क्या रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे। ओके तो ये यहाँ पे अटैच्ड रहेंगे, और अटैच्ड होने के बाद ये क्या होगा कि फर्दर जो डेवलपमेंट है बेबी का यहीं पे होगा, ठीक। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। सपोज ये आप इमेजिन करिए, ये यहाँ पे डिस्क शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ठीक, और ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर ये पूरा बेबी को ऐसे कवर कर लेगा। ये मान लो बेबी हो गया, फॉर्म कर गया, और ये प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा मीन्स ये जो आपको दिख रहा है ये अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, मतलब ये यहाँ पे बेबी है और प्लेसेंटा एक टिश्यू है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, और ये टिश्यू जो है, ये प्लेसेंटा जो है, सारे न्यूट्रिशन मतलब मदर की बॉडी से सारे न्यूट्रिशन को लेके कहाँ पहुंचाएगा, वो बेबी के पास पहुंचाएगा, ठीक, मतलब बेबी को फूड पहुंचाएगा, बेबी को ऑक्सीजन देगा, और बेबी को ग्लूकोज देगा, और बेबी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो इसी कॉर्ड के थ्रू वो क्या करेगा, इजेक्ट कर देगा, बाहर की तरफ कर देगा। तो प्लेसेंटा का जो है, जो प्लेसेंटा फॉर्म होते हैं, प्लेसेंटा का बहुत बड़ा रोल है। और वॉट मतलब ये जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉट इज द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, और ड्रॉ मीन्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। तो दिस प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्लेसेंटा कुछ और नहीं, ये सिर्फ एक स्पेशल टिश्यू है जो कि मदर की बॉडी और बेबी की बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इनके सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारी चीजें क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ ये ट्रांसफर करते हैं। ओके और जब ये, और ये पूरे प्रोसेस जो है ये यहाँ पे क्या 9 मंथ तक रहेंगे, और इस ये नाइन मंथ का जो पीरियड है, जो गैप है, और ये 9 मंथ का गैप क्या है, ये जाइगोट का, सपोज मान लो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब जाइगोट के फॉर्मेशन से लेके जब तक बेबी ये बर्थ कैनाल से बाहर नहीं आ जाता, जब बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ओके व्हेन बेबी कम्स आउट फ्रॉम द मदर्स बॉडी, दिस इज नोन एज पार्चुरेशन, उनको हम पार्चुरेशन बोलेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तभी तो जाइगोट बने, तो जाइगोट बन गए यहाँ पे, तो जाइगोट मतलब फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक के बीच का जो गैप है वो कितने दिनों का है या कितने मंथ्स का है, वो 9 मंथ का है, और उसी पीरियड को, उसी गैप को हम क्या कहते हैं, That period of 9 month is known as what? Gestation period. Okay, that is known as gestation period. The period of this 9 month. तो ये हो गया आपका पहला इम्प्लांटेशन हो गया, दूसरा हो गया आपका गेस्टेशन पीरियड हो गया, और नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स क्या हो जाएंगे, प्लेसेंटा का तो आपको पता ही चल गया क्या फंक्शन है प्लेसेंटा का, और जब पूरी तरह से बेबी मैच्योर हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा, इसमें पार्चुरेशन हो जाएगा। तो व्हेन एग इज फर्टिलाइज, सो दीज ऑल दीज थिंग्स विल बी हैपन इन द फीमेल बॉडी, अगर एग फर्टिलाइज होता है तो। ओके और एक चीज और आपको बता दी, एक प्रोसेस और एक प्रोसेस यहाँ पे मिस हो रहा है, जब एग यहाँ से रिलीज होती है, ओवरी से जब रिलीज होती है, सो द रिलीजिंग ऑफ ओवम और ओवा फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज व्हाट, ओव्यूलेशन। ओके तो ओव्यूलेशन क्या है, द रिलीजिंग ऑफ ओवरी सॉरी द रिलीजिंग ऑफ ओवा और ओवम फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी से हर मंथ में जो एक मैच्योर एग रिलीज होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो आई थिंक पहले ओव्यूलेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, ओके देन इम्प्लांटेशन होगा, एंड देन पार्चुरेशन होगा। तो ये सारी चीजें किसमें होंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके थैंक यू।